जलडेगा थाना क्षेत्र स्थित लंबोई पंचायत के कर्मापानी भंडार टोली में एक पति ने पीट पीट कर अपनी 3 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद गांव में पत्नी द्वारा सुसाइड करने की बात फैलाकर शव को नदी किनारे दफना दिया। आरोपी अपनी पत्नी की आपसी विवाद में अक्सर पिटाई करता था। घटना शुक्रवार की है। हालांकि मृतका के पिता को अपने दामाद पर संदेह था, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने जाँच शुरू की और सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर मंगलवार को शव को जमीन से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये जानकारी थाना प्रभारी फिलिप मिंज ने दी। मृतका की पहचान बासमती देवी 30 वर्षीय के रूप में की गई है। दंपति की 2 बेटियां भी हैं। शुक्रवार को घटना की सूचना के बाद मृतका के पिता साय आरोपी जगदीश गंगेश्वर के घर पहुंचे। यहां बेटी के शव पर उन्होंने चोट के निशान भी देखे। इसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से सहरू साय अपने घर वापस चले गए। इसी बीच जगदीश गंगेश्वर ने पत्नी द्वारा सुसाइड करने की बात फैलाकर शव को नदी किनारे दफना दिया। इधर मृतका के पिता सहरू साय ने पुलिस को यह बताया कि जगदीश गंगेश्वर अक्सर बेटी के साथ मारपीट करता था। 1 माह पूर्व भी उसने बासमती की पिटाई कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सहरू साय ने जलडेगा थाना में दामाद पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।